हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नमस्ते आंटी जी, ठीक ठाक हैं सरकार? तो अभी मैं जा रहा हूँ परे गेस्ट हाउस में, थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पानी लेने। तो अभी मैं पहले गेस्ट हाउस जाता हूँ। और आज दो दिन की सेलिब्रेशन बची है फादर्स डे की और साक्षी के बर्थडे की, तो वो भी करनी है। तो अभी मैं फ़िलहाल गेस्ट हाउस जाता हूँ और वहाँ जाके करते हैं थोड़ा काम। यार अभी मैं गेस्ट हाउस में बैठा हूँ और काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। अभी मैं थोड़ा अंदर जाके फ्राइड राइस वगैरह बना लूँगा। और अभी मैं बोर हो रहा था तो मैंने घुटने पे ये टाइम पास करके बना दिया, मतलब कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है भाई। बैठे बैठे मतलब कि बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है कि अब फिर से मैं क्या करूँ। मतलब कि ना पता नहीं है कैसी स्टेज चली हुई है इस टाइम लाइफ की, कैसा क्या क्या बीत रहा है। तो बस पता नहीं, मैं अंदर जाके फ्राइड राइस बनाता हूँ, खाता हूँ, शायद जब पेट में कुछ जाएगा तभी कोई आइडिया निकल के बाहर आएगा। और फिर शाम को आज करेंगे हम पार्टी। मोहित कर रही मेरी फोटो लेने देख के एक के साथ आज नहीं, मेरी फोटो तो तू हट ना, लाइट मत कर। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी हम लोग करेंगे बर्थडे की सेलिब्रेशन, और जो दो केक बचे हैं वो भी काटेंगे। तो अभी हम करते हैं एंजॉय। हमारे पीछे प्लस टू के वो बच्चे हैं जिन्होंने ना प्लस वन के पेपर दिए थे और ना ही प्लस टू के पेपर दिए थे। तो आप बताइए हमें कि आपने इतनी मेहनत करी थी, आपको कैसा लग रहा है कि आप उन्होंने पेपर नहीं लिए, कैसा लग रहा है आपको? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। मतलब ये इतने दुखी हैं कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, पर ये इनके अच्छे नंबर आए हैं बिना पढ़े। मतलब हद है भाई, हम लोग तरसते थे कि हमारे स्कूल में कभी आग लगे, हम लोग कभी छुट्टी में जाए या टेररिस्ट अटैक हो, पर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा कभी भी। यार बड़ी मुश्किल से पढ़ लिखे 75% आए प्लस टू में, और इनके बाद में बना लेंगे। ये क्या है ये? व्हाट इज दिस? सर दिस इज पिज्जा। चलो 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 जाओ जाओ जल्दी जल्दी आओ। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, आज की हैप्पी बर्थडे टू यू। दादी का दादी चल तू भी कटा ले। यार तू भी कटा ले, तू पास होगी बिना पेपर के, पास होगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sanshi, happy birthday to you. ये बटन ना करे तो बुझाई नहीं मेरे, आप तो बुझाई नहीं जाते पुरानी स्कूल का जाने रोटी खाने वाले जाने है। बेटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बताए आपको ये पास होगी, इसने बहुत मेहनत करी थी, पेपर दोबारा काटने को बोल रही है। आप वेस्ट नहीं करना चाहिए केक। पायल तेरे पेपर दोबारा कराने चाहिए ना, अगस्त में बोल दो रे डेट आई है तेरे पेपर का, दोबारा कराए प्लस टू के। तो खुश नहीं है ना? ना बिल्कुल भी खुश नहीं है ना? नहीं, सच में इतनी खुश नहीं है ये, बिल्कुल खुश नहीं है। बच्चे अपने सीबीएसई के जो इन्होंने एग्जाम कैंसिल किए थे, है ना, खुश नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। और एक बात बता दूं कि ये प्लस टू में बिना पेपर के पास हुई थी। चलो दिखाइयो पिज्जा।
अभी हम घर से आ चुके थे और अभी मैंने चीज़ चिली बनाई है और मेरे को दाल मखनी देनी है बना के, और मतलब कि काम है तो मैं ही देख रहा हूँ अभी किचन का और बाहर का भी कई बार। तो आज के ब्लॉग को हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा खाली है और भाई हिलने डुलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एकदम मस्त बना था सब कुछ और केक तो भाई एकदम लाजवाब था। और जो साक्ष ने भी केक बनाया था ना भाई, ओरियो वाला, वो भी बहुत सही बना था, पर वो हमने खाया नहीं, वो कल खाएँ क्योंकि ओवरलोड हो चुके थे सारे। तो अभी मैं काम करता हूँ, उसके बाद हम ब्लॉग को समाप्त करेंगे। अभी फाइनली मैं रूम में आ चुका हूँ और अभी मैंने नीचे इतने ऑर्डर दिए और घर पे इतना ज़्यादा खाया है, मतलब कि भाई चलने का तक का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा पेट हैवी हो गया था मेरा। और मौसम इस टाइम काफ़ी अच्छा हुआ है। नीचे ना यार गैस के पास खाना बनाते ना बड़ी गर्मी लगती है, तो मेरे को बड़ी गर्मी लग रही थी तो मेरे को नींद भी काफ़ी आ रही थी। आज सुबह पता नहीं क्यों अजीब सा, शायद मैं जल्दी उठ गया या कुछ भी, पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी आज। तो अभी मैं सोऊंगा और आज बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ और खा भी बहुत ज़्यादा लिया है, एक केक बच गया है उसको कल खाएंगे। और फाइनली दोनों केक कट गए थे, सुबह मैंने थोड़ा सा उस केक में से खा लिया था क्योंकि मेरे को टेस्ट करना था और केक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। तो यार अभी हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें मेरी वीडियोज़ को।